और अभी दिल्ली में या नोएडा में कहीं भी धूप नहीं है। है पापा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं अपने घर दोबारा पहुंच चुका हूं उत्तराखंड, और इसी के साथ यहां पे टफीज हमारा सो रखा है और मम्मी वहां लगी है खाना बनाने। और मम्मी आज खाने में क्या बना रही हैं तो हम वो देखते हैं। लेट्स सी। अरे वाह, मम्मी तो आग में खाना बना रही है आज। क्या मम्मी, जोर से बोला, आवाज नहीं आती है। नहीं बना रहे हो। तो गाइस इसी के साथ मैंने यहाँ पे दो अंडे भी खा लिए अपने, और ठंड काफी ज्यादा है। यहाँ पे लकड़ियों का ढेर है, यहाँ पे भी लकड़ी है, वहाँ पे भी लकड़ी है। तो यहाँ पे भी ये नया लेके आ रखे हैं हम, ताकि लकड़ियाँ डालें और ऊपर रखने के लिए हम खाना पीना बनाने के लिए मस्त ईजी हो जाएगा। तब ये काम करेगा गैस जैसा, क्योंकि पहले माँ जब हमारे पास था ना तो उसमें क्या है, नीचे लकड़ियाँ गिरती थी, गंदगी काफ़ी होती थी, लेकिन फिलहाल मैंने दोबारा गंदगी कर दी है। तो टफी यहाँ पे बैठा हुआ है क्योंकि टफी को यहाँ पे डर लगता है रात को बाहर निकलते वक्त, क्योंकि कहीं बाघ ना आ जाए, और यहाँ बाघ होते हैं, जंगली सुअर भी होते हैं, तो इसलिए वो कहीं नहीं आता रात को। हाँ, मेरे साथ उसकी वो जगह है और वहीं सोया रहता है। अब ऐसा खाने में क्या बन रहा है मम्मी? तो आज मम्मी बना रही है अरबी और राई की सब्जी और गडेरी। गडेरी इन द सेंस कहते हैं अरबी ना, मतलब टेस्ट तो वैसे ही होता है। तो देखो मैंने जो खाई मेरे को तो सेम टेस्ट लगा। अच्छा, गडेरी कहते हैं उसको उत्तराखंड की लैंग्वेज में, और जिनको एक तरीके से नहीं पता गडेरी क्या होती है तो हम कह सकते हैं अरबी सेकंड फॉर्म में। तो ये देखो गाइस, ये डाल रही है, ये क्या दूध, भांग, ये भांग है। तो दूध इतना गलत नहीं कर रहा है फिर से। अच्छा अच्छा समझ गया, ये वही है ना जो गीली गीली सी होती है। तो ये देखो हमारा नींबू, हमारा नींबू इतना बड़ा नींबू होता है यहाँ पे, इतना बड़ा वो दिखाई दे रहा होगा। ये देखो गाइस, आई दिखाई क्यों दे रहा है, ये देखो गाइस, ये नींबू तो काट काट के डालते रहते हैं हमारा पूरा में, ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते का हो जाएगा इसमें। तो गाइस बाहर अभी रात हो गई है, ठंड बहुत है बाहर, तो पापा तो अभी ऊपर जा रखे हैं, और ये हमारा बाथरूम। और यहाँ पे सीमेंट में डाल दिया ताकि पानी वाली बाहर आ रहा था, तो यहाँ पे कर दिया है, फिलहाल अभी काम भी कर ही रहा है भाई। और ये हमारा टफी, ये है हमारा टफी जो हमेशा मेरे हाथ के ऊपर सो जाता है ना टफी ना, नोज जो कितनी पिंक पिंक हो गई है इसकी। यहाँ पे मस्त एकदम 7 बजे धूप आ जाती है, और मस्त 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक धूप रहती है। और अभी दिल्ली में या नोएडा में कहीं भी धूप नहीं है, तो जिनको धूप चाहिए उनको उत्तराखंड आना पड़ेगा, और उत्तराखंड के वादियों में भी आना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम फिलहाल खाना पीना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे 8:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे 8:30 बजे लगता है से इंसान कोई नहीं है बाहर, तो ऐसे लग जाता है, क्योंकि 8:30 बजे तो हमारे वहाँ मोमोज चल रहे होते हैं, यहाँ पे 8:30 बजे मस्त हो जाते हैं लोग और रात को आए हो। तो कल भी मेरा वही सीन रहेगा, तो कल अम्मा से मिलेंगे हम ब्लॉग पे। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, बट अम्मा का थोड़ा सा डेली लाइफ भी हम वीडियो बनाएंगे, उनकी डेली लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होती है चीज़ों को लेके, तो अकेली रहती है, तो हम कल उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे वो क्या करती हैं डेली लाइफ में। और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो अकेले जब रहते हैं तो कितने काम होते हैं उनके पास। यही है यार, रास्ते निकल रखा है ऐसे। ये वाला तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे, और वहां देख रहे हैं माल्टा, माल्टा है कि नहीं। आई माल्टा है कि नहीं, मैं भी आऊं हैं कुमड़।
नीचे चले जाते हैं उधर। तो भाई देखो इतनी बड़ी लौकी टक रही है यहाँ पे, ये कच्ची ये लौकी खाने वाली है, है? अच्छा बाद में होगी ना, यहाँ कल तुझे आग लगाई थी जीप में, अब यहाँ देखते हैं माल्टा है कि नहीं। रे दी अच्छा पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? यहाँ तो एक तो ये दिख रहा है, दो ये रे, चेक कर रहे हो क्या? गलगल है, गलगल है? नहीं। तो ये मीठे होते खट्टे होते हैं? खट्टे होने वाले थे। हाँ मालता होने वाले नहीं थे। अच्छा मालता का तो एक भी जना नहीं था, नहीं है ना? ये मालता के बीज चाहिए होंगे मुझे, बीज मालता के ना, मैं बीज लेके आऊंगा, बीज लगाऊंगा यहाँ पे, है ना? माल्टा होते हैं यहाँ पे ना, ऐसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना। चलो ठीक है, माल्टा नहीं है ना, एक भी वहाँ तो शेरी में इतने सारे माल्टा रखे हैं, शेरी में इतने सारे हम लेके आ रखे थे ना, इतने सारे माल्टा, इसके छिकल जो है मोटी होती है, दूध बहुत कम निकलता है। मैं नहीं खा रहा, खट्टा होगा सुबह सुबह, ऐसे खा रहे हो कच्चा छिकल भी खा रहे हो? छिकल खाते हैं इसका, अंदर का नहीं खाते? खाते अंदर, बस एक और है ना, और मालिक जाना, मालिक के जाना है, ये सब मोटे बटे लगे हुए हैं पीछे, ये जो बेल होती है ना, ये घास आती है, हाँ इसको काट देना पड़ता है, पेड़ में जाके पेड़ को खराब कर देते हैं, जैसे ये बेल है कद्दू की, हाँ इसको काट देना चाहिए पहले ही, अच्छा पहले ही काट देना चाहिए, पेड़ में गया तो फिर मारता नहीं, मतलब फल कम लगता है। हाँ ये वहाँ से आ गया ना पूरा, यहाँ से पूरा पूरा यहाँ तक आया है ना, वो क्या है वहाँ पे अमरूद का, अमरूद अमरूद भी लगे हुए हैं, पता आपको? नहीं अमरूद देखे हैं मैंने वहाँ पे लगे हुए हैं, आपके वहाँ से आओगे ना वहाँ अमरूद लगे हुए हैं, मैंने देखे थे वहाँ पे अमरूद भी लगे हुए हैं। तो नीचे कौन सा पेड़ है यहाँ पे नीचे नीचे? अच्छा चलो, गाइस अभी हो चुकी है रात, तो हमने जला दी यहाँ पे आग, यहाँ पे मम्मी बना रही है खाना। आज मम्मी खाने में क्या बन रहा है? चने बन रहे हैं पीसना, कोई भी काम हो, ये देखो मसाला अंदर पीस लेते हैं ना पापा, ओ पापा है पापा मैं तो बड़े जोर से पीसता हूँ, तेरे पता है मुझे बात ठंडी हो चुकी है, क्या बच्चे बात ठंडे लग रहा है, है क्या आएगा बस, साला पीसा ठंडे की बात ना बहुत हवा चल रखी है,
अंदर गर्म लग रहा था, फिर अब बाहर दोबारा। तो गाइस यहाँ देखो इतनी लकड़ियाँ रखी हुई है हमने पिलुक पिलुक जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। और यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं मस्त एकदम। पापा भी मसाला पीस रहे हैं और हम अभी रात का खाना खाएंगे। ये आग सीखने को कहाँ मिलेगा यार, इतना मस्त। और डाल देते हैं लकड़ी, चाय भी इसमें, चाय भी नहीं होगी इससे। अब फेंक दूंगा, अब क्या करूंगा, अब नहीं पीना ना, अब नहीं पीना, नहीं पीना ये। क्यों? चाय वेस्ट हो जाती है ना, इसलिए बिस्किट डाल दिया मैंने। कहते हैं कभी चाय खाली नहीं फेंकनी चाहिए। बिस्कुट क्या हमने तीन बिस्कुट लेता है तब मैं तो खा। ये आज वीडियो बनाया अभी।